विदुषी महासती वृंदावन तीर्थ बनने की यात्रा में यात्री बने हुए सभी श्रद्धालुगण, समृद्धि के बाद समृद्धि में विस्तार न हो, समृद्धि नहीं विकसित न हो, ऐश्वर्य नहीं फैलता न चला जाए तो उसमें मजा नहीं आती है। ऐश्वर्य की प्राप्ति होती अचौर्य व्रत के पालन से, और ऐश्वर्य में जीना, समृद्धि में जीना ये भी जरूरी होता है। समृद्धि प्राप्त होना, ऐश्वर्य प्राप्त होना एक कई बार संयोग से हो भी जाता है, लेकिन उस ऐश्वर्य में हैप्पीनेस की फीलिंग, समृद्धि का एहसास ये जिसके कारण से आता है, उस व्रत की चर्चा आज से आपके साथ शुरू होने जा रही है। एक ऐसा सब्जेक्ट जो जीवन का बहुत महत्वपूर्ण विषय है, एक ऐसा विषय जिस पर बात करने से प्राय हम लोग कतराते हैं, एक ऐसा विषय कि जिस पर आज यंग जनरेशन बहुत भ्रमित हो चुका है, एक ऐसा सब्जेक्ट जो जीवन की बहुत मौलिक बात है और जिस पर प्रॉपर गाइडेंस न होने के कारण से इतना सारा कुछ डार्क जोन उसके आसपास में बना हुआ है, इतना डार्क जोन, इतना संभ्रम, इतना केओटिक सिचुएशन कि जिसके कारण से एक्सीडेंट न चाहते हुए भी हो ही जाते हैं। और वो विषय है जिसको भारतीय संस्कृति में चार पुरुषार्थ में तीसरा स्थान दिया गया, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ स्वीकार किए गए हैं। जीवन की, मानवीय जीवन की सर्वांगीण समीक्षा करते हुए मनुष्य के जीवन के सामने ये चार सपने रखे गए, ये चार ध्येय रखे गए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन चार पुरुषार्थों में से जो तीसरा पुरुषार्थ है जिसकी बहुत ये सारा संसार, पूरा देवलोक, पूरा मनुष्य जगत, पूरा पशु जगत, जिसे एक संज्ञा के आधार पर चलता है, उस संज्ञा का बोध होना है और उस संज्ञा की एक समझ आ जाना है और उस संज्ञा को कैसे शक्ति बनाया जा सकता है, जैसे आहार संज्ञा है और आहार संज्ञा के कारण से भूख लगती है, लेकिन भोजन करना और भोजन से शक्ति प्राप्त करना है और भोजन से अपने ध्येय की ओर यात्रा करना और भोजन में ही डूब करके मर जाना है, ये सारे जैसे आहार संज्ञा के डायमेंशन है। कुछ लोग केवल भोजन के लिए जी जाते हैं और वो खाते खाते ही मर जाते हैं, वो खाना इसलिए नहीं खाते हैं कि जीवन में प्रोग्रेस हो जाए, वो खाना इसलिए नहीं खाते हैं कि ज्ञानार्जन में, साधना में, समाधि में, शांति में, यात्रा करने के लिए संबल मिले, इसलिए खाना नहीं खाते, वो केवल खाने के लिए खाना खाते हैं। और ऐसा खाने के लिए जो खाना खाते हैं, सच में देखा जाए तो खाना ही उनको खा जाता है। वैसा ही पैसा है, कुछ लोग केवल पैसे के लिए पैसा कमाते हैं, कुछ लोग केवल धन के लिए धन कमाते हैं, संपत्ति के लिए संपत्ति इकट्ठा करते चले जाते हैं, वो ना संपत्ति का आनंद लेते हैं, न संपत्ति का उपभोग करते हैं, न संपत्ति के कारण से कहीं अंदर में प्रगति की यात्रा शुरू हो जाती है, ये उसी में उलझ करके ले जाते हैं, सारा कुछ उसी को केंद्र बना करके चलते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल पिछले साल के कई दिनों से चर्चा में रहे हुए हैं, तमिलनाडु के सीएम जयललिता, कई बार मैं वो जिंदा थी तब भी सोचता था कि कोई नहीं है, किस लिए इतना पैसा इकट्ठा कर रही है। और देखिए उसके बाद की सारी स्थितियों को देखेंगे तो क्या हालत बन गई उसकी। एक सामान्य व्यक्ति को भी जितनी शांति से अंतिम सांस लेते आती है,
उतनी भी शांति उसको अंतिम समय में न मिल पाई, केवल एक बात के कारण से, वो संपत्ति का संग्रह। और कई ऐसे व्यक्तियों के नाम जानता हो जिनके संपत्ति के कारण से, जिनका स्विस बैंक में अकाउंट रहा है, स्विट्जरलैंड की स्विस बैंक में जिनका अकाउंट था, और वहां का उनके अकाउंट को ओपन करने के लिए उनके थंबप्रिंट की रिक्वायरमेंट रहती है, तो डेथ होने के बाद भी उनकी डेथ डिक्लेयर ना हो पाई कि वो उनका थंब काट करके वहां गया है, वहां का अकाउंट ओपन हुआ है, और फिर सारा कुछ काम चला है। किसके पीछे? ऐसे लोग जो धन में डूब जाते हैं, धन उनको डुबो देता है, जो आहार में डूब जाते हैं, आहार उनको डुबो देता है। वैसा ही तीसरा है ये काम, ये वासना है, ये वेद एक ऐसी चीज, एक ऐसी अनुभूति कि जिसके कारण से व्यक्ति यदि इस पर संयम कर पाए, यदि व्यक्ति इसकी शक्ति का उपयोग कर पाए, इसके प्रभाव में बहने के बजाय इस पर कहीं संयमन कर ले, कहीं इसमें अपनी नौका तैरा ले, तो किनारे लग जाए और कहीं इसके भंवर में उलझ करके रह जाए, तो फिर तो उसने होना ही होना है। बड़ा नाजुक विषय है, बहुत संवेदनशील विषय है, लेकिन यदि आप, मुझे पता नहीं आप लोगों के अपने नेक्स्ट जनरेशन के साथ कितना कम्युनिकेशन है, मुझे नहीं पता, लेकिन जितनी रिपोर्ट मेरे पास है उससे लगता है कि माँ बाप जीवन की इन समस्याओं के विषय में प्रॉपर गाइडेंस अपने संतति को कर नहीं पा रहे, और प्रॉपर गाइडेंस न करने के कारण से वो कहीं कभी इंटरनेट पोर्नोग्राफी पोर्नोग्राफी मिसगाइड में उलझ करके इस तरीके से भटक रहे हैं, इस तरीके से अटक रहे हैं, इस तरीके से उलझ रहे हैं कि बाहर आना ही मुश्किल जा रहा है। और ऐसे एक नाजुक विषय पर तीनों ही आयामों से बात करने की आज से शुरुआत कर रहे हैं। पहला इसका एक सैद्धांतिक पक्ष है, इसका तात्विक पक्ष है, इसका कर्म कार्मिक स्वरूप, इसका धार्मिक स्वरूप, इसका विकृत स्वरूप, इसका सांस्कृतिक स्वरूप, बहुत सारे आयाम इसके हैं। एक आयाम नहीं, आहार निद्रा भय मैथुन च सामान्य मैथुन पशु भी समान है। आहार निद्रा भय और मैथुन, इन चारों के आधार पर यदि देखे जाए तो चारों ही संज्ञाएं, ये चारों ही प्रवृत्तियां पशु में भी है और इंसान में है। आहार वो भी करते हैं, आहार इंसान भी करता है, डर इंसान को भी लगता है, डर पशुओं को भी लगता है, सोते हुए भी है, सोते इंसान भी है, वासना का खेल वो भी खेलते हैं, वासना का खेल इंसान भी खेलता है। ये चारों, लेकिन इसके बावजूद सामान्य मेथड पशु भी समान है। धर्मो ही तेषां अधिको विशेष, धर्मे नहीं ना पशु भी समान है। इन चारों में ही, आहार में, भय में, मैथुन में, निद्रा में, ये चारों संज्ञाएं दोनों इक्वल होने के बावजूद भी यदि इसमें धर्म का संबंध जुड़ जाए, आहार में, भय में, निद्रा में, मैथुन में, यदि धर्म का स्पर्श हो गया तो वहां से एक जीवन की नई यात्रा शुरू हो जाती है। जैसे आहार कोई ले ले जिसे आपको समझने में आसानी जाएगी, जो
जो मिला वो खाना, जैसे नैसर्ग वैसे खाते चले जाना है। भूख लगी खाते चले गए पशु, लेकिन मनुष्य उस आहार पर संस्कार करके आहार ग्रहण करता है। मनुष्य विवेक से आहार लेता है, मनुष्य केवल नेचुरल सेंस में चलता है, एक नैसर्गिक संज्ञा के आधार पर वो नहीं चलता, उसके साथ एक संस्कार है कि आहार करना है तो कैसे बैठना है, कैसे खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, वो एक सोच करके खाता है। उसमें अपने बुद्धि का, अपना विवेक का उपयोग करता है, और ये विवेक के कारण से उसका आहार उसकी साधना का आधार भी बन सकता है। ये विवेक के कारण से उसका आहार केवल उसके पेट को नहीं तो उसके जीवन का भी पोषण कर सकता है। इस विवेक के कारण से उसका आहार एक उसकी साधना भी बन सकती है। और ये विवेक, इस विवेक को ही धर्म कहते हैं। विवेक ही धर्म माही है, ये विवेक ही धर्म है। और ये विवेक पशु भी नहीं हो सकता है, पशु ये विभाजन नहीं कर सकता है। पशु में क्या करना, क्या खाना, क्या नहीं खाना है, इसका एक नेचुरल सेंस हो सकता है, लेकिन एक विकसित सेंस नहीं हो सकता है, एक डेवलप्ड सेंस नहीं हो सकता है। वो एक सहज बोध के आधार पर चलता है, लेकिन एक उदात्त बोध के आधार पर नहीं चलता है, एक एक्स्ट्रा बोध के आधार पर नहीं चलता है। और एक्स्ट्रा बोध के आधार पर कोई चल सकता तो इंसान है, और वो भी उसके आधार पर नहीं चले तो उसमें और पशु में अंतर इतना ही हो सकता है कि कोई पशु बदतर नहीं हो सकता है, इंसान बदतर भी हो सकता है। यदि उसके पास धर्म का बोध रहा तो मनुष्य पशु से बेहतर बन सकता है, और ये बोध उसके पास नहीं रहा तो मनुष्य पशु से भी बदतर घटिया बन सकता है। बोध रहा तो मनुष्य पशु से भी बढ़िया हो सकता है, और बोध नहीं रहा तो मनुष्य पशु से भी घटिया हो जाता है, बिल्कुल घटिया हो जाता है। और उसके घटिया के ये परिणाम है सारे, आहार के मामले में जैसा जैसा वो घटिया होता जा रहा है, बिना अपने पेट के, बिना अपने स्वास्थ्य की परवाह करे, केवल टेस्ट के लिए जैसे जैसे वो खाता चला जा रहा है, उसने जीवन के पोषण मूल्य की तरफ देखना भी बंद कर दिया है। उसके स्वास्थ्य के लिए क्या जरूरी है देखना भी बंद कर दिया उसने, केवल उसके मन को जो भाता है उसके आधार पर निर्णय करता चला गया है। और उसके कारण से होटल और हॉस्पिटल इनकी संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ये होटल से रास्ता हॉस्पिटल तक पहुंचता है। अभी पेपर में खबर पड़ रहा था, इस लॉकडाउन के माहौल में होटल बंद है लेकिन ऑर्डर जारी है। पहले ऐसा लगता था कि लोग घर पर नहीं रहते इसलिए होटल में जाकर खाते हैं, लेकिन अब घर में रहते हुए भी लोग होटल से मंगा करके खाते हैं, पता नहीं क्यों। और उसके पीछे इतना गंदा व्यवस्था बन गई, चाहे स्विगी हो, चाहे झोमेटो हो, चाहे जो भी तुम्हारे होम डिलीवरी करने वाले हैं, आपको पता ही नहीं चलता है कि वो डिलीवरी करते समय उनके डिलीवरी के उस बैग में नॉन वेज और वेज साथ में रहता है। और कई बार ये एक्सीडेंट हो चुके हैं कि वेज की जगह पर नॉन वेज की पार्सल पहुंच गई, लेकिन वो एक ऐसा सोशल मीडिया का कहो, स्क्रीन का कहो, या टेस्ट का कहो, ऐसा पागलपन सवार हो गया है कि आदमी अपने स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ करता चला जा रहा है। क्योंकि वहां पर जो बनता है वो टेस्ट के लिए बनता है, स्वास्थ्य के लिए नहीं बनता है। ये इस प्रकार का जब वो घटिया बन गया है, इस घटियापन के कारण से जो बीमारियां पशु को नहीं होती है वही बीमारियां इंसान को आराम से होती चली जा रही है। ये जैसे आहार के मामले में, और वहां यदि वो वेग ले आ जाए
जो आपको तीसरे व्रत की आराधना में कहा था कि उनोदरी, कोई पशु उनोदरी का नहीं सो सकता है, लेकिन इंसान उनोदरी का सो सकता है और वहीं से उसकी आहार ये तपस्या बन जाती है। वैसे भय, भय यदि पशु को डर लगा है तो पशु के सामने दो ही रास्ते रहते हैं, या तो आक्रमण करेगा या भाग करके जाएगा, दो ही उपाय उसके पास होते हैं, या तो वो अटैक करेगा या सटक जाएगा। लेकिन मनुष्य के पास एक तीसरा आयाम भी होता है, जब भय उसके सामने आता है तो भक्ति में भी जा सकता है, संवाद भी कर सकता है, समस्या का समाधान भी निकल सकता है। वो केवल भयभीत ही नहीं होता है, वो भयभीत होने के बजाय सुदर्शन बनकर के एक नए रास्ते पर भी चल सकता है। क्यों? कि उसके पास वो एक विशेष बोध आ सकता है, और ये विशेष बोध, ये विशेष सेंस, स्पेशल सेंस, ये नेचुरल नहीं होता, ये कल्चरल होता है। मनुष्य में और पशु में कोई अंतर है? कितना सा अंतर है। पशु केवल नेचुरल रह सकता है, कल्चरल नहीं हो सकता है, और इंसान कल्चरल भी हो सकता है, और कल्चरल होकर के स्पिरिचुअल भी हो सकता है, रिचुअल भी हो सकता है। यही यात्रा करने के लिए तो मनुष्य का जीवन है। मैं सारे शब्द आपके पास पहुंचा रहा हूं, इसलिए पहुंचा रहा हूं कि जो अगला महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है उसमें सारे शब्दों का प्रयोग होने वाला है। मुझे सारे उस विषय पर जाने के पहले उस विषय के सारे डिक्शनरी तुम्हारे पास पहुंचानी है, नेचुरल, कल्चरल, रिचुअल और स्पिरिचुअल, ये चार संज्ञा के आयाम हो सकते हैं। पशु केवल नेचुरल रहता है, मनुष्य कल्चरल भी हो सकता है, मनुष्य रिचुअल भी हो सकता है, और मनुष्य स्पिरिचुअल भी हो सकता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दीप चंद जी, श्री सुनील जी, श्री सुजीत जी, श्री सूरज जी पारक, पूना दाल एंड बेसन मिल्स, पुणे।